प्रदेश में यादवों की हत्या होती है, लेकिन तेजस्वी और तेज प्रताप अपने विधानसभा की जनता के दुख दर्द को समझने तक नहीं जाते हैं। ऐसे नेता बिहार का निर्माण क्या करेंगे? सबसे ज्यादा राघोपुर में अभी तक लोगों की हत्या हो चुकी है, अभी मीरगंज में 5 नरसंहार हो चुके, गोपालगंज में, और उन्हीं के गांव में हुआ है जो जात का ठेकेदार बनता है। जिस जो बाप माँ बेटा आज तक किसी एक जात का मदद ना किया हो, वो भी जात का नेता बनता है। जो अभी तक एक बार भी राघोपुर, हर इतनी घटना घटी जाने का काम नहीं किया हो, वो भी कहता है कि हम नेता होंगे और हम बिहार का निर्माण करेंगे। 5-5 राजद के व्यक्ति के मर जाने के बावजूद किशनगंज नहीं पहुंचता है, वो भी कहता है निर्माण करेंगे। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जिस जनता ने वोट दी विधानसभा में, और वहाँ उस जनता की हिफाजत नहीं करना, और इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी ना तो आंसू पोछे जाना, ना उसकी मदद करना एक मिनट भी। जोकीहाट विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारी जीत मिलने के बाद आरजेडी फिर आक्रामक हो गई है। इससे पहले अररिया लोकसभा उपचुनाव में भी जीत मिली थी। इस चुनाव परिणाम ने विपक्ष को लोकसभा चुनाव के पहले तक सत्ता पक्ष पर हमला करने के लिए ऑक्सीजन दे दी है। रिपोर्ट देखिए। सत्ता पक्ष का साफ मानना है कि जोकीहाट के नतीजे से ना आरजेडी की जीत हुई है, ना ही जेडीयू की हार। जेडीयू ने कहा कि यह चुनाव तो तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार के प्रति वहां के मतदाताओं की श्रद्धांजलि है। ऐसे में जीत को लेकर आरजेडी कुछ जरूरत से ज्यादा इतरा रहा है, मगर यह खुशी क्षणिक है जो ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। तो कोई मुद्दा तो है नहीं राजद के पास, इसीलिए वो इन बातों को बोल रहे हैं। आने वाले चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। जिनको खुशफहमी करना है कर लें, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पिछले 4 सालों के अंदर जो समाज के अंतिम सीढ़ी पर भी व्यक्ति बैठे हुए थे, उनके कल्याण की जो योजनाएं थी और उसका जो क्रियान्वयन ग्रास रूट पर हुआ है, उससे जनता उत्साहित है, उस विकास से उत्साहित है। आगे भी जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत का काफिला बढ़ता जाएगा। इस उपचुनाव से न कोई सरकार बनती है न बिगड़ती है, उपचुनाव लोकल मुद्दों पर होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता। पहले अररिया लोकसभा उपचुनाव में सरफराज आलम के सांसद निर्वाचित होने के बाद जोकीहाट विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम आने के बाद आरजेडी फिर आक्रामक हो गया है। पहले लोकसभा उपचुनाव, फिर विधानसभा उपचुनाव में लगातार जीत ने आरजेडी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है, जिससे आरजेडी के नेताओं का सरकार को लेकर तेवर और भी तल्ख और आक्रामक हो गया है। बोलते थे ना कि मेरा चेहरे का कमाल है, और जोकीहाट जब गए तो उन्होंने बोला कि मैंने सरफराज आलम को जिताने का काम किया, मैंने कोट कीजिएगा मैंने, यानी नीतीश कुमार जी ने लगातार जितवाने का काम किया और उनके चेहरे पर वोट मिला। तो यानी पहले मान भी लेते कि चेहरे पर वोट मिला हुआ, तो यानी आप तो नहीं मान रही है, क्यों नहीं मान रही है? और जब जनादेश का अपमान जिन्होंने किया, यानी जनता तो सवाल पूछ रही है और ये भी बता रही है कि जो आपने किया वो गलत किया। महागठबंधन को यानी वोट मिला था, मैंडेट जो था, जो हम लोग बराबर से कहते आ रहे हैं। बहरहाल राजनीति के जानकारों का कहना है कि लोकसभा उपचुनाव में आमने सामने की टक्कर थी, जबकि विधानसभा उपचुनाव में कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में थे। एक यह भी कारण रहा कि जीत का अंतर कम हो गया। निर्दलीय प्रत्याशियों को लगभग 21,000 मत मिले, इसमें शब्बीर आलम को 11,176, जाप प्रत्याशी कौशल आजम को 5,314, मोहम्मद इरफान को 2,229, जावेद आलम को 1,298, मोहम्मद मसरूर आलम को 737, प्रसेनजीत कृष्ण को 458, मोहम्मद मोबिनुल हक को 584 मत मिले। लेकिन इन तमाम आंकड़ों के बीच सच्चाई यही है कि जोकीहाट विधानसभा उपचुनाव के नतीजे ने विपक्ष को लोकसभा चुनाव के पहले तक सत्ता पक्ष पर हमला करने के लिए न सिर्फ ऑक्सीजन दे दी, बल्कि सत्ता पक्ष के मनोबल को भी हिला दिया है। सरना न्यूज के लिए पटना से सहयोगी धर्मेंद्र के साथ नवनीत कुमार की रिपोर्ट।
सुशासन राज में वीडियो पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। बिहार में छेड़खानी का एक और वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन सभी आपस में भोजपुरी में बात कर रहे हैं। वायरल वीडियो में बदमाश प्रेमी जोड़े को पकड़कर छेड़खानी कर रहे हैं। वीडियो कैमूर जिले का है। वीडियो में 5 से 6 युवक एक लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और उसके साथ मारपीट भी कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। वीडियो वायरल होने के बाद भभुआ DSP अजय प्रसाद मामले की जाँच में जुट गए हैं। उन्होंने बताया इससे पहले भी बिहार में वायरल वीडियो के कई मामले सामने आ चुके हैं। SP की माने तो वीडियो कैमूर का है। मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। वीडियो मंगा के आइडेंटिफाई किया, देखा और उसमें 7 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। उसमें से लड़की भी है, उसके साथ 2 और लड़के हैं, लेकिन 6 आदमी है जिसको हम लोग के नज़र में है। उसमें से कुछ को हम लोग पकड़े हैं। जांच चल रही है और बहुत जल्द इसमें और परिणाम निकलेगा। अभी कितने लोग हिरासत में हैं? 2 को लिया गया है हिरासत में, उस पर जांच चल रही है। सुशासन कैमूर मसौढ़ी गया और जहानाबाद की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, और लगातार इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं बिहार में। और निश्चित तौर पर सवाल ना सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि सुशासन बाबू पर खुद भी उठ रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ इस पूरे मामले में अब तक पता चल पाया है? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और जिनकी गिरफ्तारी हुई क्या उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है? अभी देखिए, जैसा कि कैमूर एसपी फरुखुद्दीन जी का कहना है कि इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। पूछताछ करने के दौरान कुछ लोगों के नाम और उस वीडियो फुटेज से पहचान हुई है, जिससे पुलिस का दावा है कि हम लगातार छापेमारी कर रहे हैं कई जगहों पे। आज देर रात तक उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पीयूष, क्या जो पीड़िता है उससे कुछ बात हो पाई है? अभी देखिए, पीड़िता से हम लोगों ने काफी मिलने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक पीड़िता से मुलाकात हो नहीं पाई है और जानकारी नहीं मिल पा रही कि पीड़िता को आखिर रखा क्या गया है। पुलिस इस मामले में गोपनीयता बरत रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में ऐसे मामले, ये 4th मामला है कैमूर का जहाँ की लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि जिस समय बिहार में सुशासन की सरकार आई तो लोगों की उम्मीद जगी थी कि वो अपराधों का ग्राफ थोड़ा घटेगा, लोगों को लोग आसानी से कम चल सकते हैं, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। लेकिन अभी जो तत्कालीन स्थिति ये बनी हुई है तो इसको देख करके ये कहना गलत नहीं होगा कि महिलाएं या लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है अभी बिहार में। बिल्कुल। और पीयूष, जिस प्रकार से ये पूरी वारदात हुई है, निश्चित तौर पर सुशासन बाबू पर भी सवाल तो उठे ही है। क्या लगता है इस पूरे मामले के बाद SP ने कुछ ऐसा भी कहा है कि आगे से इस तरह से सतर्कता बरती जाएगी, कुछ नियम कानून बनेंगे? किस प्रकार से बातचीत हुई और पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? अजी देखिए, पुलिस अभी जो कैमूर SP लगातार दावे तो करते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा सामने न आए, लेकिन कैमूर में जो स्थिति है, अपराधों का ग्राफ पिछले 1 महीने में हत्याओं, कम से कम 15 हत्याएं हुई, लूट हुई, डकैती, चोरी, और अभी तक स्थिति यह हो गई कि आज छेड़खानी का वीडियो भी वायरल हो गया। तो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनके मन से पुलिसिया भय पूरी तरह से हट चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर ये कोई पहला मामला नहीं है बिहार में जो इस प्रकार के